नमस्कार दोस्तों सी सी के इस लाइवेरी रिसर्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं कि निरंतर हम ये प्रयास करते हैं कि आप तक वो तमाम बातें पहुंचाएं जिन्हें आप जानना चाहते हैं वो बातें जो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं और आप ये सोचते हैं कि क्या ऐसा भी होता है जी हाँ ऐसा भी होता है इसी के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही ख़ूबसूरत विषय लेकर आए हैं आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि दो इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट घोषित किया गया है और से घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस ने आ, क्या इसके पीछे सोच थी क्या इसके पीछे कार्य किया जा रहा है इस पर हम आज चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आ, हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री निमिष कपूर जी और आ, बताना चाहूंगी आ, निमिश जी साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक विभाग एक महत्वपूर्ण अंग है और यह भी बताना चाहूंगी कि निमेश निरंतर प्रयास करते हैं कि किस तरीके से छात्र छात्राओं तक बात पहुंचे विज्ञान की यानी कि ये एक विज्ञान संचारक भी हैं तो सबसे पहले तहे दिल के साथ स्वागत करना चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट निमिश निमिश जी जी का दन्रण जी, दन्रण। आपका के लाइव लेक्चर में स्वागत है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप निरंतर सीसी के माध्यम से यानी कि इस सेट लेक्चर के माध्यम से भी स्टूडेंट्स तक वो बात पहुंचाते हैं जिन्हें कई बार वो नजरअंदाज कर देते हैं या जानते हैं तो अधूरा जानते हैं तो उम्मीद करती हूँ आज के इस लेक्चर के माध्यम से भी स्टूडेंट्स बहुत कुछ जान पाएंगे आप ही के द्वारा बिल्कुल ऐसी हम उम्मीद करेंगे और आज हम बात करेंगे लाइट की प्रकाश क्योंकि प्रका, प्रकाश से ही सब कुछ है प्रकाश से ही जीवन है तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट 2015 घोषित किया गया है जैसा आपको अभी गीतिका जी ने बताया इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष 2015 जिसको घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने और ये वर्ष क्यों घोषित किया गया है और इसके पीछे क्या कारण है और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो प्रकाश मान हो रही हैं दुनिया को रोशन कर रही हैं हम उन्हीं की आज चर्चा करेंगे और ये वर्ष खास तौर पे लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ का वर्ष है जो हमारे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनसे हमारे जीवन प्रकाशित हो रहा है हमारे गांव और शहर प्रकाशित हो रहे हैं उसी की हम कुछ बात करेंगे अबाउट द ईयर ऑफ लाइट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव विच विल हाईलाइट टू द सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज इन दियर लाइफ फॉर दियर फ्यूचर एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इट इज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर एजुकेट एंड कनेक्ट ऑन ए ग्लोबल स्केल इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट इसके पीछे का आप यह भी जानते चलें कि ये कैसे घोषित किया गया 20 दिसंबर 2013 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के जो सिक्सटी यानी अड़सठवां सत्र आयोजित हुआ उसमें यह निर्णय लिया गया कि 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ आई 2015 घोषित किया जाए और इसके पीछे बड़ा रोचक कारण ये भी है कि बहुत सारे ऐसे ऊर्जा से संबंधित सिद्धांत और जो खोजें हुई हैं उनका भी कुछ ना कुछ जुड़ाव कुछ ना कुछ खास इस वर्ष में पाया गया in pro, uh, proclaiming the international year of uh, year focusing on the topic of light science and its application the united nations has recognized the importance of raising global awareness about how light based technologies promote sustainable development and provide solutions to the global challenge in energy education agriculture and health yani urja शिक्षा कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किस तरह से हमारे लाइट पर आधारित जो तकनीकें हैं जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो काम कर रही हैं लाइट प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ हैज़ एंड इज़ एन इम्परेटिव क्रॉस कटिंग डिसिप्लिन ऑफ साइंस इन देंटी फर्स्ट सेंचुरी इट हैज इसमें एक रिवोल्यूशन आ गया है इसने एक Uh, हमारे मेडिसिन में हमारे कम्युनिकेशन में हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटीज़ में हमारे जो कल्चरल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं हमारे ग्लोबल सोसाइटी के उन सभी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट 2015 के जो प्रोग्राम है दिस विल प्रमोट इम्प्रूव पब्लिक एंड पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंट्रल रोल ऑफ लाइट इन द मॉडर्न वर्ल्ड विच ऑल्सो सेलिब्रेटिंग नोटवर्दी एनिवर्सरीज़ इन टू फ्रॉम द फर्स्ट स्टडीज़ ऑफ ऑप्टिक्स 1000 years ago to डिस्कवरीज इन ऑप्टिकल communications that पावर the इंटरनेट today. डे uh, बहुत नायाब uh, जो खोजें हुई हैं uh, उन सबका ये सेलिब्रेशन है एक हज़ार वर्ष पुरानी खोजें जिसका जिक्र हम अभी आगे करेंगे एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट इज़ ए ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल पॉलिसी मेकरस एंड स्टेक होल्डर्स आर मेड अवेयर ऑफ़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग पोटेंशियल ऑफ लाइट टेक्नोलॉजी वी नाव हैव ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रेस ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ दिस ये कहना है चेयरमैन ऑफ़ इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट 2015 की स्टीयरिंग कमेटी का जॉन डोडले उन्होंने ये कहा है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें दे रहा है लाइट के बारे में समझने और समझाने की कि किस तरह से लाइट हमारे जीवन के हमारे देश और समाज की दिक्कतें दूर कर रही है रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ़ यू एन फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज 2015 क्या रेजोल्यूशन पारित हुआ यह भी हम जानते चलें रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज इन द लाइफ ऑफ द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल सोसाइटी ऑन मैनी लेवल्स इस तरह से हम प्रकाश और प्रकाश बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका महत्व समझें कि वो किस तरह से हमारे नागरिकों के जीवन के लिए और हमारे भविष्य के लिए दुनिया के ग्लोबल भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं स्ट्रेसिंग दैट इन्हांस्ड ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ एंड इंक्रीज एजुकेशन इन दाइंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ लाइट आर वाइटल फॉर एड्रेसिंग चैलेंजेस सच एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी एंड कम्युनिटी हेल्थ एज वेल एज फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ किस तरह से विकसित और विकासशील देशों में हमारा जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो रहा है हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य ऊर्जा और एक सतत विकास जो है उसकी जो चुनौतियां हैं वो किस तरह से प्रकाश बेस टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसको उससे निजात पा रहे हैं उसको पूरा कर पा रहे हैं ये को समझने के लिए ये रिजोल्यूशन पारित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा Considering that the applications of light, science, and technology are vital for existing and future advances in medicine, energy, information and communications, fiber optics, agriculture, mining, astronomy, architecture, archaeology, entertainment, art, and culture. एज़ वेल एज मैनी अदर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसज एंड इनक्रीजिंग सोसाइटल हेल्थ एंड वेल्पिंग तो प्रकाश से कुछ भी अछूता नहीं रहा है वो चाहे स्वास्थ्य या सेहत हो ऊर्जा हो सूचना तकनीक इंटरनेट हो फाइबर ऑप्टिक्स हो कृषि हो खदान का विषय हो माइनिंग एस्ट्रोनोमी हो खगोल शास्त्र हो आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजी और हमारा मनोरंजन कला और संस्कृति हो इन सभी में हमारे प्रकाश और उनकी टेक्नोलॉजीज का दखल हमें दिखाई दिया है और जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं और आगे की स्लाइड्स में भी करेंगे कंसिडरिंग ऑल्सो द टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी अचीवमेंट ऑफ ग्रेटर एनर्जी एफिशंसी इन पर्टिकुलर बाय लिमिटिंग एनर्जी वेस्ट एंड इन द रिडक्शन ऑफ लाइट पॉल्यूशन विच इज की ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ डार्क स्काइज बहुत हद तक uh, हमारा जो वेस्ट है जिसमें एनर्जी का पोटेंशियल है ऊर्जा समाहित है उसको हम लिमिट करें और हम किस तरह से हम कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करें यानी ऊर्जा हर फॉर्म में हर जगह हर चीज़ में है और हम कोशिश करें कि हम जो ऊर्जा क्षय है वो कम से कम हो और साथ में हम जो रिडक्शन ऑफ लाइट पोल्यूशन की बात है प्रकाश प्रदूषण जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे उसमें भी हम कुछ सुधार कर पाएँ अब एक खास बात आती है 2015 हजार पंद्रह ऑफ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट माइल इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ लाइट प्रकाश के विज्ञान के इतिहास में 2015 एक माइलस्टोन है मील का पत्थर है एक बहुत जरूरी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक हजार साल पहले जी हाँ 1015 में अल हैथम ने प्रयोग किया था ऑप्टिक्स की शुरुआत की थी द नोशन ऑफ लाइट एज ए वेव प्रपोज बाय फ्रेसनल इन 1815 उसके काफ़ी सदियों के बाद 1815 में फ्रेसनल ने नोशन ऑफ लाइट को एक वेव की तरह प्रस्तावित किया तो अल हैथम और फ्रेसनल के साथ हम आगे बढ़ेंगे 1015 और 1815 के बाद हम बात करेंगे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोगेशन प्रपोज बाय मैक्सवेल इन 1865 आइंसटीन्स थ्योरी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इन 1905 एंड ऑफ द बेडिंग ऑफ लाइट इन कॉस्मोलॉजी थ्रू जनरल रिलेटिविटी इन 1915 जी आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत और आइंस्टीन ने जो जिस तरह से लाइट uh, पर अपने प्रयोग किए उन सभी का ये सेलिब्रेशन हम 2015 में कर रहे हैं लाइट और लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज का और इसके साथ

considering that the celebration of the anniversaries of these discoveries in 2015, those are would provide an important opportunity to highlight the continuous nature of scientific discovery in different contexts with particular emphasis on women's involvement in the science sector and on pro promoting science education among young people, especially in developing countries. Gee, को किस तरह से सशक्त किया जाए विज्ञान के जरिए विज्ञान और तकनीक के जरिए ये भी बातें इस वर्ष में हो रही हैं प्रकाश के वर्ष में की जा रही हैं सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोनिक्स को समझेंगे कि फोटोनिक्स क्या है जब हम प्रकाश वर्ष की बात करते हैं प्रकाश तकनीक की बात करते हैं प्रकाश से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज फोटोनिक्स फोटोनिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जनरेटिंग कंट्रोलिंग एंड डिटेक्टिंग द फोटॉन्स विच आर पार्टिकल्स ऑफ लाइट जी प्रकाश के जो कण हैं फोटॉन्स कहलाते हैं उनको समझने का जो अध्ययन है वो फोटोनिक्स है फ़ोटोनिक्स अंडरपेंस टेक्नोलॉजीज़ ऑफ डेली लाइफ फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू तो लैपटॉप्स टू तो द इंटरनेट टू तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू तो लाइटिंग टेक्नोलॉजीज़ जो भी टेक्नोलॉजीज़ हम आज इस्तेमाल करते हैं हम स्मार्टफोन का मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं लेजर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं इत्यादि सभी में फ़ोटोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी विल डिपेंड एज मच ऑन फोटोनिक्स एज द ट्वेंटियस सेंचुरी डिपेंडेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स जी इससे पहली जो सदी थी बीसवीं शताब्दी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को नवाचार किया गया और उसको बढ़ोत्तरी दी गई और उसके बाद जो सदी आई है वो है फोटोनिक्स की जी इलेक्ट्रॉनिक्स से एक सीढ़ी ऊपर जिसमें हम प्रोटोनिक्स की बात करते हैं फोटोनिक्स की बात करते हैं फोटोनिक्स इज द साइंस ऑफ लाइट इट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ जनरेटिंग कंट्रोलिंग एंड डिटेक्टिंग लाइट वेव्स एंड फोटॉन्स विच आर पार्टिकल्स ऑफ लाइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स एंड फोटॉन्स कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स क्योर डिजीजिज एंड इवन टू सॉल्व क्राइम्स जो इस समय जिनवा में एक हिक्स बोजोन की खोज हो रही है और ये देखा भी जा चुका है जिस तरह से लार्ज है कोलाइडर का जो महामशीन का महाप्रयोग हो रहा है वो भी Uh, मैं कहूँगा कि प्रकाश uh, की परिभाषाओं पर आधारित है साइंटिस्ट हैव बीन स्टडिंग लाइट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स कलर्स ऑफ द रेनबो आर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटायर लाइट वेव रेंज कॉल द इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म स्पेक्ट्रम फोटोनिक्स एक्सप्लोर्स ए वाइडर वेराइटी ऑफ वेव लेंस फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो इंक्लूडिंग एक्स रेज यू वी एंड इंफ्रा रेड लाइट It was in the 17th century the Sir Isaac Newton showed the white light is made of different colours of light. At the beginning of the 20th century, Max Planck and later Albert Einstein proposed the light was a wave as well as particle, which was a very controversial theory at the time. Because jab Albert Einstein kaha ki prakash, particle be or wave be tarang or kan bhi hai, tab ye कंट्रोवर्सी पैदा हुई और हाउ कैन लाइट बी टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम ये वैज्ञानिकों ने सोचा कि किस तरह से प्रकाश एक बार में एक समय में दो अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रह सकता है एक्सपेरिमेंटेशन लेटर कंफर्म दिस ज्वेल इन द नेचर ऑफ लाइट दर्ल्ड अराउंड 1960 व्हेन द लेजर वाज इन्वेंटेड बाय थियोडोर माइमैन इवन इफ वी कैनॉट सी दर इलेक्ट्री electromagnetic spectrum स्पेक्ट्रम विजिबल एंड light लाइट वेव्स आर ए पार्ट ऑफ everyday life photonics लाइफ फोटोनिक्स इज consumer इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हम डी वी डी प्लेयर की बात करें हम रिमोट टी वी कंट्रोल की बात करें हम टेली कम्युनिकेशन की बात करें हम हेल्थ की बात करें हम मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें डिफेंस सिक्योरिटी की बात करें एंटरटेनमेंट की बात करें रेजर शोज की बात करें हम हेल्थ की बात करते हैं तो आई सर्जरी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी आधारित बन रहे हैं वो सभी इट बेस टेक्नोलॉजीज पर बनाए जा रहे हैं अब हम समझते हैं एनर्जी ऊर्जा द एनर्जी फ्रॉम आवर सन दैट रीचेज द अर्थ कैन बी कन्वर्टेड इन टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ लाइट गवर्नमेंट एंड साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड आर वर्किंग टू डेवलप अफोर्डेबल एंड क्लीन सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज सोलर एनर्जी विल प्रोवाइड ए प्रैक्टिकली एग्जॉस्टेबल रिसोर्स दैट विल इनहांस सस्टेनेबिलिटी टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड लोअर द कॉस्ट ऑफ मिटीगेटिंग क्लाइमेट चेंज आई पी सी सी की रिपोर्ट में जो स्पष्ट किया गया है कि हम सोलर एनर्जी या ऐसे ऊर्जा क्षेत्रों का प्रयोग करें ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करें जहां से कार्बन इमिशन ना हो सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्नेसिंग हीट फ्रॉम द ways using technologies like solar heating, solar photovoltaic, solar panels and solar thermal electricity amongst other. The use of solar energy has increased dramatically over the past decade to pave the way of a cleaner, more sustainable energy future. This technology is used in residential, commercial, agriculture and even rural areas. Solar energy is becoming a crucial investment for our earth's future as we face climate change and natural resource storages worldwide. Architecture and urban planning ki hum passive solar architecture is used to create well lit spaces at comfortable temperatures by orienting building properly based on climate and implementing a low surface area to volume solar architects create energy efficient homes that they rely on almost exclusively on energy from the sun g आज हमारे जो घर बनाए जा रहे हैं वो एक ग्रीन कॉन्सेप्ट को लेके बनाए जा रहे हैं एक सोलर के कॉन्सेप्ट को लेके बनाए जा रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में विजुअल में देख रहे हैं ये एक ऐसा घर है जिसमें सारा कुछ सोलर ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसका टॉयलेट उसका एसी, उसका कूलर उसके खिड़कियाँ दरवाज़े छत किस तरह से सन से एनर्जी ले रहे हैं और ये पूरा घर जो रोशनी प्राप्त कर रहा है वो सोलर ऊर्जा से वो लाइट प्राप्त कर रहा है इट इज ए काइंड ऑफ सोलर हाउस वी कैन से एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में बहुत इसका उम्दा इस्तेमाल होता है हमारे सोलर का हमारे सोलर लाइट का ग्रीन हाउसेस आर द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी in this category and are used to convert solar light to heat in order to grow crops that are not suited to the natural climate in certain areas g आफ्टर टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन के प्रयोगों के बाद भी जिस तरह से हम छोटे से एक पौधे के जीवित भाग को लेकर केमिकल्स के घोल में डालकर एक ऑपरेशन थिएटर की तरह कमरे में उसको उस भाग से कई सारे छोटे छोटे सूक्ष्म उभार यानी यानी एक पौधे पैदा करते हैं एक छोटे से भाग से उसके बाद जो पौधे पैदा होते हैं वो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट पर आधारित होते हैं जिनको कि एक ऐसे ग्रीन हाउस में रखा जाता है एक ऐसा ग्रीन हाउस जिसमें एक फ़ाइबर या ग्लास या का शेड होता है टीन शेड या कहीं प्लास्टिक के शीट होते हैं और किस तरह से वो सौर ऊर्जा से गर्मी लेते हैं और उसमें नमी और आद्रता मेंटेन रहती है और पौधे पनपते हैं जी ये टेक्नोलॉजी ऐसे एरियाज में भी और ऐसे हमारे पौधों की वनस्पतियों के प्रजातियाँ जो लुप्त हो रही हैं उसमें भी कारगर है तो ये भी प्रकाश का एक बेहद उमदा प्रयोग है जो हमने आपको यहाँ शेयर किया ट्रांसपोर्टेशन सोलर पावर्ड कार्स are a long anticipated technologies development. the north american solar challenge has hosted teams competing in designing, building and driving solar-powered cars for over 20 years. solar energy is also used in vehicles for auxiliary power applications to reduce fuel consumption. hindustan may be a araha or अक्सर हम अपने एग्जीबिशंस में अभी तक देखते आए हैं और कुछ गाड़ियाँ सड़कों पर भी चलाई जा रही हैं जो सोलर एनर्जी से ऊर्जा लेकर चलाई जा रही हैं लेकिन अभी ये फिलहाल प्रायोगिक स्तर पर ही है या शौकिया स्तर पर ही है इसको कैसे हम टेक्नोलॉजी में तब्दील करके एक कमर्शियल इस्तेमाल कर पाएंगे इन सोलर कार का ये एक अभी भी चुनौती हिंदुस्तान के सामने है हाल ही में एक ऐसा विमान जो दुनिया की सैर पर निकला है और जो सूरज के गर्मी से सूर उड़, सौर ऊर्जा से चल रहा है हिंदुस्तान की सरजमी पर आया अहमदाबाद में और इस विमान में आपको बता दें जो भी ईंधन है वो सौर ईंधन है ये जब दिन के समय चलता है तो ये सूरज से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है सौर ऊर्जा प्राप्त करता है और उससे ये उड़ान भरता है फिलहाल इसकी गति कम है कुछ सौ uh, किलोमीटर ये सौ से डेढ़ सौ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाता है लेकिन फिलहाल ये काबिल तारीफ है कि इस दिशा में एक सफल प्रयोग हो रहा है पैसेंजर बोट्स एयरक्राफ्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग सोलर एनर्जी ऑलरेडी एक्सटेंसिव ट्रिप्स इंक्लूडिंग ए फिफ्टी फोर आवर फ्लाइट हैव बीन मेड यूजिंग सोलर टेक्नोलॉजी शोइंग दैट द फ्यूचर ऑफ कंप्लीटली सोलर पावर ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट फार ऑफ हम बात करेंगे अब डी एंड वाटर रिसाइकलिंग जो कि हमारे समुद्र तटीय भागों में जिसका बहुत ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट्स पेयर्ड विद रैपिडली इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ड्राइविंग राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर फ्रेश वाटर जी आज हमें मीठा पानी पीने का पानी नसीब हो जाए भविष्य में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वाटर डॉट ऑर्ग एस्टिमेट्स डेट ऑलमोस्ट एट मिलियन पीपुल लैक एक्सेस टू क्लीन वाटर एक बहुत बड़ा ये चुनौती है 800 मिलियन लोग लोगों के नसीब में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है जो वाटर डॉट ऑर्ग ने यह अनुमान अपने कुछ सर्वेक्षणों के आधार पर लगाया है थर्मल डिसलशन रेडिंग सी वाटर एंड ब्रैकिश वाटर ऑफ सॉल्ट एंड एम्प्योरिटीज बाय वे ऑफ PV सिस्टम फोटोवोल्टेज सिस्टम इज़ वन विजिबल ऑप्शन इज क्रिएटिंग मोर रेडीली अवेलेबल फ्रेश वाटर जी हम सोलर के प्रयोग से सौर ऊर्जा के प्रयोग से फोटोवोल्टेज सेल के प्रयोग से हम जो समुद्र के खारे पानी में नमक और अशुद्धियाँ हैं जो रसायन हैं या जो भी चीज़ें हैं वो हम अलग करके उस पानी को पीने लायक बना सकते हैं सोलर पी सिस्टम फोटो सिस्टम कैन ऑल्सो बी यूज टू प्यूरिफाई एंड रीयूज वाटर अगर हम दूषित जल हमारे कारखानों से या घरों से निकलने वाला उसको भी पीवी सिस्टम के जरिए शुद्ध किया जा सकता है सोलर थर्मल की हम आप बात करते हैं Thermal energy generated by the sun can be used for a multitude of tasks from cooking to cooling and more. These applications of the sun's energy are both low tech and very useful. Solar hot water heaters are used around the world to heat residential homes and especially pools. In residential and commercial areas solar thermal can be used to supply thermal energy in the form of heating, cooling and ventilation year around. ये है एक सोलर थर्मल का उदाहरण जिसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा घर जिसमें सोलर कलेक्टर्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द एनर्जी पैक जी जिस तरह से फोटोवोल्टे सेल के जरिए जो सौर ऊर्जा है वो एक एनर्जी पैक के रूप में संरक्षित होती है उसके बाद सोलर एनर्जी विल सप्लाई हॉट वाटर फॉर हाइड्रोनिक स्पेस हीटिंग सोलर एनर्जी विल सप्लाई हॉट वाटर फॉर लॉन्ड्री कपड़े भी धुलते हैं उस एनर्जी पैक के जरिए और गर्मी भी मिलती है सोलर एनर्जी विल सप्लाई हॉट वाटर फॉर योर सिंक एंड डिश वाटर रसोई घर में आपके बर्तनों को मांझने के लिए भी आपको एक गर्म पानी मिलता है सोलर एनर्जी विल सप्लाई हॉट वाटर फॉर योर हॉट बाथ एंड शावर्स आपके बाथरूम में भी आपको स्नान के लिए गर्म पानी मिलता है तो ये देखें बहुत नायाब ये घर बनाए जा रहे हैं जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं सोलर एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज द नीड फॉर आल्टरनेटिव एनर्जी हैज़ बिकम मोर एंड मोर अपेरेंट एज द इमिनेंट थ्रीट ऑफ क्लाइमेट चेंज बिकम्स रियलिटी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन टेक्नोलॉजी सच एज फोटो पैनल्स एंड सोलर वाटर हीटर्स हैव टू द पोटेंशियल टू प्रोवाइड अप टू ए थर्ड ऑफ द दर्ल्ड एनर्जी बाई द ईयर ट्वेंटी सिक्सटी ये बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ कि ये तथ्य है जिसमें ये कहा गया है वर्ल्ड एनर्जी एसोसिएशन ने इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन ने ये कहा है कि वर्ष 2060 तक ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि देश की जो एक दुनिया की एक तिहाई ऊर्जा की आपूर्ति जो है वो सोलर से होगी और एक बहुत अच्छा और एक बहुत बेहतर ये तथ्य सामने मिला है जिसमें हम उम्मीद करते हैं जो कार्बन बेस्ड जो एनर्जी और जो कार्बन इमिशन की बात है वो उसमें कमी आएगी दिस वुड रिक्वायर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन थ्रू इंक्रीज यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी एंड डिक्रीज्ड रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स ये इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए हिंदुस्तान करता आया है इसमें बेहतरी की बात लेकिन इसमें एक इंटरनेशनल सपोर्ट की बात संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट 2015 में कि किस तरह से हम सौर प्रकाश सौर ऊर्जा को लेकर अपने फोटोवल्ट सेल के जरिए हम सौर ऊर्जा से दुनिया को रोशन करें और ये भी कहा जा रहा है कि 2060 तक एक तिहाई ऊर्जा हमें सूरज से मिलेगी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन की जरूरत है कंसेंट्रेशन सोलर पावर क्या है यह भी हम जानते चलें सी एस पी यूज मिरर्स और लेंसेज टू कंसंट्रेट ए लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट ऑन टू स्मॉल एरिया सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टेड इज देन कन्वर्टेड इनटू हीट विच टिपिकली पावर्स एन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर the demands of csp systems namely in commercial industries is on the rise despite their hefty price tag these systems are desirable due to their ability to store electricity बहुत नयाब सिस्टम है जिसमें हमेशा एक चिंता की बात है रहती है कि हम सौर ऊर्जा को कैसे स्टोर करें कैसे हम एक ऐसा पावर हाउस बनाएं जहां पे हमारी ऊर्जा स्टोर हो उस जगह पर और ये इसका जो एक सलूशन uh, दिया है वो कंसंट्रेटेड सोलर पावर कि इस तरह से हम सौर ऊर्जा को सांद्रित कर, कर एक जगह पर इकट्ठा करें जिसका इस्तेमाल भविष्य में और कल की ज़रूरतों में हो पाए हम बात करेंगे अब फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी की जी हाँ ये बहुत नायाब टेक्नोलॉजी है जिस पर हमारा पूरा सोलर एनर्जी सिनेरियो टिका हुआ है डेवलपमेंट इन फोटो टेक्नोलॉजी एंड दी एबिलिटी टू तो जनरेट store and use electrical energy locally without long range transmission is bringing about transformation changes in the electricity infrastructures g ये बहुत अहम मुद्दा है और आ, बताते हुए खुशी है कि हिंदुस्तान ने भी इस टेक्नोलॉजी में सफलता प्राप्त की है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो गाज़ियाबाद में है उन्होंने बहुत नायाब इसमें सफलता हासिल की है इस टेक्नोलॉजी को बनाने में विद द प्रॉपर एजुकेशन एंड फाइनेंशियल रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाई फोटो वोल्टेक सोलर पैनल्स हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अंडर डेवलप्ड एमरजिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज हालांकि हिंदुस्तान में एक चैलेंज है इसका कच्चा माल विदेशों से आता है जो अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है लेकिन इस टेक्नोलॉजीज में हिंदुस्तान अब आगे कदम बढ़ा रहा है दी लो कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ पी वी फोटोवोल्टेज इज लीडिंग टू इट्स डोमिनेंस ओवर अदर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज विंड एनर्जी एंड टेड सोलर पावर सी एस पी जिसका जिक्र हमने अभी किया हाउ एवर इंस्टॉलेशन ऑफ सच अल्टरनेटिव आर ऑल्सो इनक्रीजिंग रेपिडली वर्ल्ड वाइड आप जिस तरह से देख रहे हैं दाहिने हाथ पे जो विजुअल आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत नायाब उदाहरण है कंसनट्रेटेड सोलर पावर का जिसमें आपको चारों तरफ एक गोल घेराई में सोलर सेल्स लगे हुए हैं जो बेानतहा सूरज की जो एनर्जी मिलती है उसको ये स्टोर करते हैं और कुछ इसी तरह की चीज़ें आज हिंदुस्तान में भी ज़रूरत है जहाँ पर एक बड़ा स्टोरेज हो पाए सौर ऊर्जा का लेजर्स की हम बात करेंगे डेली एक्टिविटीज़ फ्रॉम स्कैनिंग आइटम्स एट ग्रॉसरी स्टोर चेकआउट प्लेंग योर फेवरेट सी डी रिक्वायर देरी प्रिसाइज लाइट लेजर प्रोवाइड आप जब सुपर स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं तो लेजर बीम से ही उसका दाम जो है वो अनकोड होता है और वो डिकोड uh, होता है उसके बाद आपका बिल जनरेट होता है ए लेजर इज एन ऑप्टिकल एम्पलीफायर, ए डिवाइस डेट स्ट्रेंथेंस लाइट वेव्स। सम लेज़र्स हैव ए वेल डायरेक्टेड वेरी ब्राइट बीम विद ए वेरी स्पेसिफिक कलर अदर इम्फेसाइजेस अदर Different properties such as extremely short pulses. The key feature is that the amplification makes light that is very well defined and reproducible, unlike ordinary light sources such as the sun or a lamp. In the 50 years since its discovery, the laser has become an indispensable tool in our daily lives. Industries uh, reliant on lasers include telecommunications, medical diagnostics, manufacturing, environment sensing, basic scientific research, space exploration, and entertainment. Scientists and engineers continue to find new uses. For the laser every day. Some wide reaching areas on the horizon for laser technology include improved cancer diagnosis, faster internet speeds, clear sources of energy, black hole exploration, and much more. G, laser ke zariye कैंसर की चिकित्सा में हम एक नायाब उपलब्धि हम हासिल कर चुके हैं और हमारे इंटरनेट की स्पीड जो बढ़ रही है थ्री के बाद फोर और अब फाइव की भी बात होने लगी है और उसमें भी ये लेज़र शामिल है क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए भी हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं नो डाउट और ब्लैक होल को एक्सप्लोर करने के लिए भी लेज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक अभी तक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है लाइट सोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड लाइट इज ए कीट फॉर लार्ज साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटीज नोन एज सिंक्रोट्रॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर्स ये सिंक्रोट्रॉन्स क्या है ये भी हम आगे समझेंगे एट दर्ट ऑफ वन ऑफ दीज जाइंट मशीन इज द particle accelerator which is used to create an incredibly bright light this light is so intense it can reveal the atomic and molecular detail of the world around us and is used by scientists the world over for fundamental and applied research into almost every scientific research field imaginable there are now more than 60 synchrotrons and fels around the world dedicated to applications in physics engineering pharmacology and new materials to name but a few revealing the world around us g scientists use synchrotron light to study a vast range of subject matter from new medicines and treatments of disease to innovative engineering and cutting edge technology

उसको उनका अध्ययन करने में जो है हमारे वैज्ञानिकों को ये बहुत सफलता हासिल हुई है सिंक्रोट्रॉन से और ये कैसे हम आगे बात करेंगे और आप देखें जो सिंक्रोट्रॉन लाइट है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स ब्राइटर देन सन लाइट तो आप समझ सकते हैं कि सिंक्रोट्रॉन लाइट के प्रयोग से हम कितना मिलियन आगे जा सकते हैं सनलाइट से जो हम देखते हैं उससे कई मिलियन हम आगे का देख सकते हैं सिंक्रोट्रॉन लाइट से और इसकी क्या खूबियाँ हैं और किस तरह से ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मेडिसिन और हमारे अदर uh, चीज़ों में प्रयोग हो रहा है उसको भी हम जानते चलें वॉट आर सिंक्रोट्रॉन्स यूज फॉर द लाइट प्रोड्यूसड बाई सिंक्रोट्रॉन्स कैन बी यूज इन ऑलमोस्ट एनी फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इट्स हाई ब्रिलियंस हाई इंटेंसिटी शार्प फोकस एंड ट्यूनेबिलिटी गिव्स इट एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल टेक्निक्स नॉलेज ऑफ प्रोटीन फंक्शंस जी हमारे प्रोटीन किस तरह से काम करते हैं क्योंकि हमारा जो जीवन है वो तीन चीजों से मिलकर बना है प्रोटीन आर एन ए और डी एन ए हम जो कुछ भी हैं हम इन तीन चीज़ों से मिलकर बने हैं और हमारे जीवन का जब अध्ययन होता है तो प्रोटीन का अध्ययन किया जाता है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इन मेडिसिन द नॉलेज ऑफ प्रोटीन फंक्शन इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ डिजीजेस ऑन द मोलिकुलर लेवल एंड दस टू बी एबल टू डेवलप टेलर्ड एजेंट्स फॉर देयर ट्रीटमेंट सिंक्रोट्रॉन्स रेडिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर स्टडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर किस तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनके अध्ययन में सिंक्रोट्रॉन जो कि बिलियंस ऑफ मैंने बताया कि मिलियंस से जो हमारा सन लाइट है उसे कई मिलियन कई लाख गुना ये प्रकाशमान है ड्यू टू द रिसर्च ऑन द जीनोम ऑफ ह्यूमंस एंड टू द नीड ऑफ रिकम्बाइंड प्रोटीन्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन द डिमांड फॉर ए स्ट्रक्चर एनालिसिस इज ऑन द इंक्रीज़। दिस डिमांड विल ओनली बी मेट बाई इंक्रीज यूज ऑफ सिंक्रोट्रॉन लाइट अन्य क्षेत्रों में हम देखें एनर्जी के क्षेत्र में सिंक्रोट्रॉन क्या काम करता है सिंक्रोट्रॉन्स आर ए वाइटल टूल इन हेल्पिंग टू मीट ग्लोबल एनर्जी चैलेंजेस ऑफरिंग साइंटिस्ट वास्ट पोर्टफोलियो ऑफ द लेटेस्ट आर एंड डी टेक्निक्स एंड इनोवेशन टू टैकल ए वाइड रेंज ऑफ एनर्जी रिसर्च चैलेंजेस इंक्लूड प्रोड्यूसिंग क्लीनर सेफर एंड मोर अफोर्डेबल एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल अल्टरनेटिव सच एस बायोफ्यूल्स सोलर एंड न्यूक्लियर पावर एंड डेवलपिंग Novel materials and technologies for carbon capture and fuel gas storage systems. Environmental science uh, may synchrotrons Synchrotron-based techni technique have made a major impact in the field of environment science in the last 10 years. High resolution allows the study of ultra-dilute substances, the identification of species, and the ability to track the pollutants as they move through the environment. Synchrotrons are playing an important role in monitoring and प्रिडिक्टिंग दी इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन लोकल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट दी नॉलेज विल एबल इ डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजीज टू रिड्यूज़ दी आवर ओवरऑल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट किस तरह से हम जो प्रदूषण हमारा फैलता है जो कचरा है या जो पॉल्यूटेंट है उसके अध्ययन में हमारा जो हाई uh, रेजोल्यूशन uh, की जो स्टडी है वो हम uh, सेक्टोट्रॉन से कर पाते हैं सिंक्रोट्रॉन से कर पाते हैं सिंक्रोट्रॉन लाइफ साइंस में क्या काम करता है हम ये भी समझते चलें फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज एंड एकेडमिक रिसर्चर्स आर मेकिंग इंक्रीजिंग यूज ऑफ सिंक्रोट्रॉन टेक्निक कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व द 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट बायो सच एज प्रोटींस केमिस्ट एंड स्ट्रक्चरल Uh, biologists use this method to work together in the development of promising compounds into drug candidates. Synchrotrons in engineering. Facility, uh, facilities unique in the world are uh, available for the detailed study of engineering and manufacturing. Synchrotron light allows for uh, detailed analysis and modeling of a strain. Cracks and Corrosion as well as in situ study of materials during production processing. This research is vital to the development of high performance materials and their use in innovative products and structures. Synchrotrons in paleontology, synchrotrons light has been long used in paleontology, many fossils are analyzed with X ray microscope to view the interior of precious specimens without cracking them three dimensional tomography can be reconstructed to visualize the details inside these fossils synchrotron scans revealing the healing of dinosaurs g Uh, मुझे लगता है कि जब हम डाइनासॉरस की बात करते हैं तो हमारी सभी की दिलचस्पी ये जानने में होती है कि किस तरह से हम डायनासोर को रिवील कर पाए उनके स्ट्रक्चर जब हमारे खुदाई में हमारे निकलते हैं उनके अवशेष निकलते हैं किस तरह से हम डायनासोर का अध्ययन करते हैं सिंक्रोट्रॉन्स की सहायता से एक ऐसा प्रकाश जो सूरज के प्रकाश से कई हज़ार गुना कई लाख गुना ज़्यादा प्रकाशमान है साइंटिस्ट हैव यूज स्टेट ऑफ द आर्ट इमेजिंग टेक्निक्स टू एग्जामिंग द क्रैक्स फ्रैक्चर्स एंड ब्रेक्स इन दोन्स ऑफ ए वन फिफ्टी मिलियन ईयर्स ओल्ड प्रीडेटरी डायनासोर्स जी जो क्रैक्स हैं जो हड्डियों में जो फ्रैक्चर्स हैं बोन्स में एक सौ पचास मिलियन साल पहले उनके अध्ययन में सिंक्रोटॉन का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप में एक नायाब और दुर्लभ प्रयोग है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर Researchers say their uh, groundbreaking work sheds new light literally on the healing process that took place when these magnific magnificent animals were still alive. The research took advantage of the fact that dinosaur bones occasionally preserve evidence of trauma, sickness, and the subsequent signs of healing. Gee, ये सारे साइंस जो उनके हड्डियों के माध्यम से हमें हम जब उनका अध्ययन करते हैं तो चीज़ें निकल के आती हैं जिसमें सिंक्रोटॉन्स का एक बेहतर इस्तेमाल हो रहा है सिंक्रोटॉन्स इन केमिस्ट्री सिंक्रोटॉन लाइट एज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन द केमिकल रिसर्च इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू मटीरियल द फाइनली ट्यून एक्सरे बीम्स आर एबल टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल मोलिक्यूल क्रिस्टल्स This is a crucial factor not only in the characterization of a new compound, but it is also for our understanding of the properties of a material. Solid state chemistry is beginning to be explored under the extreme conditions at synchrotron facilities, helping to predict new materials and their properties. सिंक्रोटॉन्स इन कल्चरल हेरिटेज जी ये सुन के भी बड़ा अचंभा लगता है कि किस तरह से हमारे विरासत को हमारी सांस्कृतिक विरासत को सिंक्रोटॉन्स संवार रहा है कल्चरल हेरिटेज माफ़ कीजिएगा कल्चरल हेरिटेज इस रैपिडली एक्सपेंडिंग एरिया ऑफ रिसर्च इन सिंक्रोटॉन्स Scientists are using synchrotrons non-destructive techniques to find answers to big questions in paleontology, archaeology, art, history, and forensics. Just there is a paleontology, archaeology, or art history synchrotrons provide a platform for research into conservation of buildings, paintings and artifacts ultimately this work will advance our understanding of the past to ensure our cultural heritage is better preserved for future generations synchronous in material science material science represents a wide field of research and the macrostructural characterization of material is needed in order to better understand the main phenomena that occurred during the forming of फॉर्मिंग और ड्यूरिंग द यूज ऑफ मटीरियल सिंक्रोट्रॉन्स इन अर्थ साइंस जी आप देख रहे हैं कि कितने नायाब प्रयोग हैं इस प्रकाश के जो सूरज के प्रकाश से कई मिलियन गुना प्रकाशमान है सिंक्रोट्रॉन सिंक्रोट्रॉन इन अर्थ साइंस सिंक्रोट्रॉन्स आर इंक्रीजिंगली यूजफुल इन अर्थ साइंस एप्लीकेशंस द हाई एनर्जी एक्सरे इनेबल द स्टडी ऑफ द फिजिक्स एंड केमेस्ट्री टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रीम कंडीशन डेट अकर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इन द इंटीरियर ऑफ द प्लानट्स ये बहुत नायाब मैं कहूँगा अध्ययन है जिसमें उन कंडीशंस का हम अध्ययन करते हैं जब सोलर सिस्टम बन रहा होगा जब उसका निर्माण हो रहा होगा फॉर्मेशन हो रहा होगा और हमारे प्लान के इंटीरियर में अंदर में क्या है इसका भी हम अध्ययन कर पाते हैं माइक्रोफोकस स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन सैम्पल सच एज़ मीट्योराइड्स एंड कॉमेट डस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द इन्वायॉर्मेंट इन विच दे फॉर्म्ड किस तरह से हमारे मीट्योर्स हमारे मीट्योराइट्स और कॉमेट की डस्ट जब उनका हम आ, उनके सैम्पल का अध्ययन करते हैं उसमें भी आ, आ, उनका आ, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि किस तरह के पर्यावरण में वो उनका एन्वायरमेंट कैसा होगा उनकी बनावट उनका संगठन सांगठनिक ढांचा कैसा होगा उसके अध्ययन में भी सिंक्रोट्रॉन्स का इस्तेमाल होता है फिजिक्स में जी भौतिक विज्ञान में भी सिंक्रोट्रॉन्स का इस्तेमाल है डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज़ एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बरीड लेयर्स एंड इंटरफेसिज इज़ एन इंपॉर्टेंट एरिया इन द सॉलिड स्टेट साइंस विद सिंक्रोट्रॉन्स being the meeting ground of state-of-the-art theory and high-precision experimental results the world's first dedicated synchrotron was used to help study giant magnetoresistance gmr which is now used in billions of electronics devices worldwide the world's first dedicated synchrotron was used टू हेल्प स्टडी जी एम आर जी एम आर का अध्ययन भी सिंक्रोट्रॉन पे हो पाया तो हम कह सकते हैं कि आज प्रकाश जो सूरज के प्रकाश से भी कई मिलियन गुना ज्यादा प्रदीप्त है उससे हम बहुत कुछ हासिल कर पा रहे हैं वेयर डिड दे कम फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ सिंक्रोट्रॉन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1873 व्हेन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल पब्लिश हिज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिजम दिस थ्योरी चेंज्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट लाइट का एक जो विद्युत चुंबकीय थ्योरी है वो जब मैक्सवेल ने दिया तो एक हम हमारी जो समझ है प्रकाश की वो चेंज हुई सम ईयर्स लेटर इन एटीन नाइनटी फाइव विलियम रॉइनजन एक्सपेंडेड ऑन मैक्सवेल्स थ्योरी एंड आइडेंटिफाइड एक्स रे लाइट एंड बाई नाइनटीन जीरो सिक्स उन्नीस सौ छः में चार्ल्स बार्कला है डिस्कवर्ड द एक्स रेज कुड बी यूज एस ए टूल टू डिटरमाइन दिन गैसेस जी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि गैसों में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अध्ययन को उनको जानने के लिए एक्सरे एक्सरे का इस्तेमाल 1912 में मैक्स में लॉय फाउंड एनदर यूज ऑफ एक्सरेज The beams could help to identify the structure of very small matter like atoms based on their crystal structures. Or William Henry and Lawrence Bragg, a father and the son team, solved the formula for determining an object's structure based on the pattern formed by X-ray passing through it. Nayab the ब्रैग्स डिस्कवरी ओपेंड ऑफ द फील्ड ऑफ क्रिस्टलोग्राफी मेकिंग इट पॉसिबल टू इन्वेस्टिगेट दी एटोमिक नेचर ऑफ द वर्ल्ड हमारे विश्व में जो हम एटॉमिक नेचर की हम बात करते हैं कि हम अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्रिस्टलोग्राफी फील्ड का जो सृजन हुआ ये डिस्कवरी का श्रेय जाता है ब्रैक्स को द फर्स्ट सिंक्रोट्रॉन बिल्ट इन 1946 फोर्टी सिक्स वॉज डिजाइन टू स्टडी कॉलिजन्स बिटवीन हाई एनर्जी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जो कण हैं उनमें जो टक्कर होती है उसके अध्ययन के लिए सिंक्रोट्रॉन को पहली बार उन्नीस सौ छियालीस में बनाया गया इन दिस रोल दे वर वेरी सक्सेसफुल एंड द लार्ज हेड्रोन को लाइडर एट सन जिसकी मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी इज स्टिल डेडिकेटेड टू दिस पर्पज बट साइंटिस्ट सु नोटिस्ड दैट दीज मशीन्स Also, had a byproduct, the generated very bright light. Light in nature, mein jo hai, hum uski bhi baat hai. <coughs> from sunsets to rainbows, from the blues and greens to the oceans, to the remarkable range of colors of planets and animals, our first experiences of light and color are through what we see in the natural world. रेनबोज़ जो इंद्रधनुष का मज़ा हम लेते हैं अक्सर बारिश के मौसम में द रेनबो इज़ ए ब्यूटिफुल नेचुरल फिनोमिना अकर्स वैन ड्रॉप ऑफ रेन वाटर मीट सन लाइट जब हमारे जलवाष्प सूरज की रोशनी से मिलती है तो इंद्रधनुष या रेनबो बनता है द मल्टी कलर आर्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए फंडामेंटल प्रोसेस कॉल्ड रिफ्रैक्शन और द बेंडिंग ऑफ लाइट In optics, refraction is a phenomena that often occurs when wave travel from a medium with a given refractive index to a medium with another at an oblique angle. <coughs> Sunsets की हम बात करेंगे, बहुत अच्छा नजारा, जिसको हम सब देखना चाहते हैं और खास तौर पे हिंदुस्तान के लोग कन्याकुमारी में ये sunset और sunrise देखने जाते हैं, perhaps One of the most frequently occurring visual displays of light in nature, sunsets are also a result of refraction. In astronomy, sunset is the point when the tra trailing edge of the sun's sphere disappears below the horizon. The brilliant array of colors that appear in the sky during sunset are created by scattered airborne particles passing throughout rays of white sunlight traveling throughout, through the atmosphere. बिकॉज द इवनिंग एयर कंटेन्स मोर पार्टिकल्स देन मॉर्निंग एयर सनसेट्स आर टिपिकली मोर रेडियंटली कलर्ड दैन सनराइजेस फोटो सिंथेसिस जी आज आपको ये पता है कि नहीं फोटो सिंथेसिस से ही सारा जीवन चल रहा है फोटोसिंथेसिस जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उन पौधों को हम खाते हैं या दूसरे जानवर खाते हैं और दूसरे जानवर कुछ जानवरों का शिकार करते हैं तो एक जो पूरी फूड चेन है पूरा जो जीवन की श्रृंखला है वो इस प्रकाश संश्लेषण पर आधारित है द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी इन द सनलाइट टू केमिकल एनर्जी यूज बाय ग्रीन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश का एक नायाब आ, आ, प्रयोग है प्राकृतिक प्रयोग है Although it is performed differently by different species, different plant species, the process always begins when energy, energy from light is absorbed by the proteins called reaction centers that contain green chlorophyll pigments. जब प्रोटीन के जो रिएक्शन सेंटर हैं, जो क्लोरोफिल सेंटर कहलाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट कहलाते हैं, जो जब वहाँ पर प्रकाश अवशोषित होता है, तब ये क्रिया आरंभ होती है प्रकाश संश्लेषण की दिस सीमिंगली सिंपल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इज द बेसिस बाय विच वी ग्रो ऑल ऑफ आवर फूड एंड प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल नॉर्दर्न लाइट्स क्या है हम ये भी जानते चलेंगे ऑल्सो नोन एज अरोरा Borealis, the northern lights, is a natural light display that occurs in the sky in the arctic northernmost region on earth. In fact, auroras be seen all over the world, but occur most frequently in high altitude regions caused by the collisions of solar wind and magnetospheric charged particles. With the high altitude atmosphere, most auroras occur in a band known as the auroral zone. और अब हम आखिरी कुछ फ्लाइट्स बची हैं जिसके बाद हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि हम इस प्रकाश के वर्ष में किस तरह से अपने कॉलेजेस में अपने स्कूल्स में प्रयोग कर पाएँ और ये हम आपको साइट्स दिखाएंगे उससे पहले लाइट इन लाइफ की हम बात कर लेते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस लाइट इज एट द ओरिजिन ऑफ ऑल लाइफ फोटोनिक टेक्नोलॉजीज प्रोवाइडेड न्यू टूल्स फॉर डॉक्टर्स एंड सर्जन्स न्यू डेवलपमेंट्स इन ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंस इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज आर यूज एवरी डे इन मेडिकल डायग्नोसिस इन वेज डेट वी आर ऑफ इन अन ऑफ medicine ki karenge. breakthrough in light technology continue to reverse, uh, revolutionize the medicine industry medical imaging surgical procedure and even diagnosis rely upon the use of light medical imaging is the process of creating visual representations of the interior of the body for a further medical analysis such imaging is generally used in medical fields such as neuroscience cardiology psychiatry and psychology, amongst others. Common applications include CT, computed tomography scans, MRIs, magnetic resonance imaging, ultrasounds, and X-rays, a form of radiography, which we use light. With the invention of the laser just over 50 years ago, the role of light in medical procedures has grown immensely. Lasers are especially crucial in dermatology, skin. Ophthalmology, eyes, and dentistry, due to their precision and high power density. In fact, lasers are now widely used for common procedures such as tumor, tattoo, hair, and birthmark removal. Eye surgery and other surgical procedures now also use the power of lasers rather than invasive methods of the past. What is light pollution? अक्सर हम सुनते हैं प्रकाश का प्रदूषण ये भी क्या है ये जानते चलें लाइट पॉल्यूशन इज ए फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन विच एक्सेसिव आर्टिफिशियल आउटडोर लाइटिंग्स सच एज स्ट्रीट लैम्प न्यून साइंस एंड इल्यूमिनेटेड साइन बोर्ड्स अफेक्ट द नेचर इन्वायरमेंटल नेचुरल इन्वामेंट एंड द इको हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पर और हमारे इको तंत्र पर जो असर पड़ता है इस अंधाधुंध चकाचौ की जो प्रकाश है उसका ये एक लाइट पोल्यूशन कहलाता है दी वेस्टफुल लाइट इमिटेड डायरेक्टली अपवर्ड्स और रिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम स्कैटर्ड बाय क्लाउड्स फॉग एंड पोल्यूटेंट्स लाइक पार्टिकुलेट इन द नाइट स्काई इन दस ब्राइट लीडिंग टू ए रिड्यूस्ड नंबर ऑफ स्टार्स विजिबल इन द स्काई ड्यू टू डिक्रीज ऑफ द लाइट कंट्रास्ट This is known as light pollution. A universe of images from the nearest planetary neighbors to the most distant galaxies, the cosmos is a wonder of behold, and we are incredibly lucky in the 21st century to be able to see so many remarkable and beautiful images taken from telescopes and satellites. कॉस्मिक लाइट भी हम जानते चले इससे पहले कि हम कुछ नायाब तस्वीरें आपको दिखाएं द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइट रीचेज फॉर बियॉन्ड लाइफ ऑन अर्थ थ्रू मेजर साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजीज एडवास लाइट हैज डेवलप्ड अस टू सी एंड बेटर अंडरस्टैंड द यूनिवर्स डिस्कवर ब्रेक थ्रूज इन एस्ट्रोनॉमी व्यू स्टनिंग इमेज ऑफ द कॉस्मोस एंड लर्न मोर अबाउट डार्क स्काइज और ये कुछ नायाब तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आ, वेला सुपरनोवा रेमलैंड की तस्वीरें जो यहाँ धरती से ली गई हैं एस, आ, हमारे अंतरिक्ष की नायाब तस्वीरें ये आप देख रहे हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी इस गैलेक्सी में एक अगर ऑलपिन जो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें एक ऑलपिन की नोक के बराबर अगर हम कुछ पाएंगे तो वो ये धरती होगी जहाँ हम बैठे हैं जहाँ हम रहते हैं हेलेक्स नेबुला ये एक नायाब तस्वीर आपके सामने जो ये सारे प्रयोग संभव हो पाए तस्वीरें संभव हो पाई प्रकाश की जो टेक्नोलॉजीज़ हमने बनाई उनके ज़रिए और इसी के साथ आपका धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि आपने तमाम छात्र छात्राओं को जिस तरीके की जानकारी दी है आ, मैं आपका इसके लिए शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि आ, आपने बहुत अच्छी बातें बताई सब आपने एप्लीकेशन बेस्ड बातें बताई अक्सर हम ऐसी एजुकेशन तो देते हैं सभी छात्र छात्राओं को आ, जिसके माध्यम से जिसके ज़रिए वो पढ़कर अपने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम तो दे पाते हैं पर कभी कभी रूबरू नहीं हो पाते हैं उन तमाम बातों से जो अगर वो जान लें तो शायद उनका जीवन सुखद हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी का जीवन भी सुखद हो जाएगा जैसा कि आपने कहा कहा कि लाइट पोल्यूशन हमने कभी नहीं सुनी थी ये बात कि लाइट भी कभी पोल्यूशन क्रिएट कर सकती है अक्सर हम uh, जो तीन चार प्रकार के हमारे पोल्यूशन हैं उन पर ही नज़र डालते हैं uh, तो uh, हम ये जानना चाहूँगी आपसे कि uh, जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं रिसर्च की बात कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि अगर इस तरीके के और रिसर्च होते रहे uh, तो हम अपने देश भारत को कहीं और uh, किसी ऊँचाई पर देख सकते हैं बिल्कुल आज हम जो uh, सबसे बड़ा जो ऊर्जा की बात करते हैं सौर ऊर्जा की बात करते हैं हिंदुस्तान के जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा सेंटर है उसने ये हिंदुस्तान में ये सोलर सेल बना लिया है लेकिन उसका जो कच्चा माल है वो अभी हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं है वो बाहर से आता है लेकिन फिर भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रयोग चल रहे हैं इस दिशा में लाइट के जो टेक्नोलॉजीज की दिशा में वो बहुत बेहतर चल रहे हैं और हम एक एनर्जी मिक्स की बात कर रहे हैं जो मैं पिछले लेक्चर में भी कहता आया हूँ हम सोलर विंड और थर्मल न्यूक्लियर सभी को लेकर चल रहे हैं और जिसमें बहुत बड़ा रोल सोलर का है सौर ऊर्जा का है और जो हमने आज बातें की मुझे लगता है कि अगर हमारे जो स्टूडेंट जो हमारे यू जी के स्टूडेंट हैं या हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें 2015 जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट है जिसमें जो हमने बातें की हैं मैक्सवेल आइंस्टाइन और बहुत से वैज्ञानिकों ने जो ऑप्टिक्स के प्रयोग 1000 साल पहले शुरू हुए थे उन 1000 पहले से और आज तक का जो सफ़र हुआ एक बहुत बड़ा ये मौका है कि हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं ऐसे ऐसे चीज़ें को खोजें और एक अपना एक डॉक्यूमेंटेशन करें अपना नॉलेज लेवल पढ़ाएँ प्रकाश के क्षेत्र में और मैं समझता हूँ कि ये इस मौके को आप ऐसे ही ना जाने दें इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट 2015 में ज़रूर भागीदार बने बिल्कुल ज़रूर भागीदार बने और इसके बारे में और जानने की कोशिश करें अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करें कि किस तरीके से आप किताबों के माध्यम से टेलीविजन के माध्यम से और सी सी के माध्यम से तो हम निरंतर कोशिश यही करते ही हैं कि आप तक वो तमाम बातें पहुँचाएँ बस निमेश जी आपसे आखिरी बार ये मतलब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या स्कूली स्तर पर या फिर कॉलेज स्तर पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित किए जाने चाहिए या ऐसे लाइव लेक्चर्स होने चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को ऐसी लेबोरेटरीज़ में ले जाया जाना चाहिए जो जिज्ञासा खोल करें बच्चों के अंदर और वो अपना एक सफल करियर देख सकें बिल्कुल और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते भी रहे उसके लिए मैं आपको बता दूं देश के लगभग आ, मैं समझता हूं 50 शहरों में विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स या हमारे राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं उन साइंस सेंटर्स में जाकर जो विज्ञान संग्रहालय के नाम से जाने जाते हैं या विज्ञान केंद्रों के नाम से जाने जाते हैं वहां पर बहुत सारे नायाब एक्सपेरिमेंट्स जो लाइट और साउंड और इत्यादि विषयों के हैं वो आप देख सकते हैं लाइट को समझ सकते हैं और आ, सबसे बड़ी बात आप के शहरों में आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई एनर्जी सेंटर होगा वहाँ जाकर समझ सकते हैं कि किस तरह से हम सूरज से एनर्जी प्राप्त करते हैं और उसको हम कैसे एप्लीकेशन में अलग अलग एप्लीकेशन में बनाते हैं और जैसा आपने कहा कि स्कूली बच्चों को कॉलेज के बच्चों को हम ये समझाने के लिए अलग अलग लैब्स मिले जाएँ एक बहुत अच्छा ये मौका है ऑप्टिक्स क्या है क्रिस्टलोग्राफ़ी क्या है किस तरह से हम सोलर लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो लाइट को समझने के क्योंकि प्रकाश से ही सब कुछ है Okay. <laughs> लाइट से ही सब कुछ है और उसी से हम जी रहे हैं उसी से हमारा जीवन है तो उस जीवन को उस प्रकाश में जीवन को समझने के लिए लाइट को समझना बहुत आवश्यक है जी बिल्कुल प्रकाश अनमोल है है और ज्ञान भी प्रकाश प्रकाश से मिलता है, यूं कह सकते हैं हम क्योंकि अगर प्रकाश नहीं तो अंधकार अंधकार है तो अपने जीवन के प्रकाश को बढ़ाइए और इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने प्रकाश को यानी कि अपने ज्ञान में और वृद्धि करना चाहते हैं तो आप अपने सवाल अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं आप हमें मेल कर सकते हैं इन्फो डॉट सी सी पर अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है कोई भी प्रश्न है तो आप हमें मेल कीजिए अगली बार जब निमेश साहब हमारे स्टूडियो आएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दे सकें तो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए